हेलो फ्रेंड्स, गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, तो गर्मी में हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो ठंडी हो, खट्टी मीठी हो, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचे। और हमेशा गर्मियों में हमको मसाले की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और तीखी तली हुई चीज़ों से को तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो एकदम सौम्य, शुद्ध और कम तीखा, कम मसाले वाला खाना हमको खाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में ये ऐसी एक आमटी प्रचलित है, कैरीची आमटी, वो बहुत ही अच्छी लगती है गर्मियों में। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनती है देखते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेते हैं, राई डालते हैं, बहुत ही बेसिक मसालों से बनाना है। मेथी डालते हैं थोड़ी सी, मेथी कैरी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। कढ़ी पत्ता और हींग डाल के थोड़ा सा इसको ऐसे हिला देते हैं, एकदम बढ़िया सा तड़का लगना चाहिए कैरी ची आमटी या दाल बोलिए। और जो मैंने काट के रखे थे ना कच्चा आम, उसको डालते हैं। फ्रेंड्स, कच्चे आम में भी बहुत सारे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे गर्मियों में खाने से जिसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसको आप ज़रूर किसी न किसी रूप में कच्चे आम को खाइए, दाल में खाइए, चटनी खाइए, शरबत पीजिए, लेकिन ज़्यादा स्वीट मत खाइए। हल्दी मिर्ची डालते हैं और मैंने एक कटोरी दाल कुकर में उबाल ली है। देखो मसाले जल ना जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा दाल डाल के उसको अच्छे से घुमा दिया है। सब एक कटोरी दाल है और इसको मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था। थोड़ी तो दाल डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से घोल लेते हैं। ये कैरी की आमटी ये महाराष्ट्र में सभी घरों में बनती है गर्मियों में। इसको जब थाली में मिल जाती है ना ये, तो फिर खाने का स्वाद एकदम दुगुना हो जाता है। दो की जगह तीन रोटी खा लेता है इंसान। नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, गोड़ा मसाला, ऐसे ज़्यादा तेज मसाला नहीं डालेंगे, गोड़ा मसाला जो होता है उसको डालेंगे। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल डाला है कसा हुआ, आपको गीला नारियल डालना है वो भी डाल सकते हैं, ये आमटी में नारियल डलता ही है। और फिर उसको बैलेंस करने के लिए, जो कच्चा आम है उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और इसको खूब ज़्यादा बॉईल करेंगे। तो जितना ये बॉईल होगी ना आमटी, उसका उतना स्वाद बढ़ता जाएगा। आप इसको एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये आमटी कैसी लगी। और मेरा यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए अब ये करीब करीब तैयार हो गई है हमारी आमटी, और आप इसके साथ कोई भी सब्जी या दाल चावल के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, इसमें शुद्ध घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा।